देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थान में शुमार ग्वालियर की लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में फूड पॉइजनिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दो दिन पहले फूड पॉइजनिंग के चलते करीब 150 से ज्यादा बच्चों की हालात गंभीर हो गई थी, जिसमें से 7 को आईसीयू और 1 को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा था, जिसके बाद उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती स्टूडेंट्स और उनके परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा फूड पॉइजनिंग का मामला कोई छोटी बात नहीं है, 150 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, एक बच्चा तो वेंटिलेटर तक पहुंच गया है, हालांकि अब उसकी हालात में सुधार है लेकिन सख्त एक्शन होगा, जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस ने मैस पर रेड की थी, जहां से खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कैंपस के किचन से पनीर, दूध, दही, घी, तेल, आटा, चावल, सलाद, मसाले सहित एक दर्जन खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए है। इस बात की संतुष्टि है कि हम सब स्वस्थ होने के रास्ते पे पूर्ण रूप से सक्षम का कोशिश भी जानने की कोशिश की और नौजवान रूप से स्वस्थ रहेंगे, इसका पूर्ण आशा रखते हैं। हमारे करीब 150 बच्चे को यही सिम्टम्स लगे थे, आज 2 नए बच्चे आए हैं, पर भगवान के आशीर्वाद से कोई इतना सीरियस बात नहीं है। महाराज, एक सीरियस बच्चा था जो वेंटिलेटर पे भी चला गया था, पर वो भी अब वापस नॉर्मल सी की तरफ।